तो अपने को कभी रेट्रो बाइक उस तरीके से पसंद नहीं आई, मतलब रेट्रो इन द सेंस कि जो रॉयल इनफील्ड की जितनी भी रेट्रो बाइक है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी मतलब पर्सनली वो मेरे को पसंद नहीं आई है इतनी ज़्यादा। एक तो गर्मी हो रही है और ऊपर से भाई इसने गाड़ी फंसा दी है। Alright, ladies and gentlemen, all things are checked, all things are ready, और अपने mirror भी set हो गए हैं. So welcome back to the channel, guys. Welcome back to the new fresh video with the new fresh vlog. So जी अभी हो रही है 2:15 का time हो रहा है और अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा वाली हो रही है. धूप इतनी गंदी वाली लग रही है ना, इतनी गंदी वाली धूप भाई, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही वाली धूप है. वैसे तो गर्मी जो रहती है ना, गर्मी तो नहीं है कहने का मतलब मेरा ये है, लेकिन जो एक धूप है ना, जो धूप बिल्कुल कड़ाके वाली जो है वो है. तो मौसम में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं क्योंकि भैया महीना लग चुका है अक्टूबर का. और अरे भैया तो जी आज भीड़ उसी हिसाब की है जैसे हमेशा रहती है भीड़. भीड़ को करते हैं इस साइड में, अपने को तो बस निकलना है, अपने को जाना है किसी काम से, तो वहाँ जाएंगे और वो काम करके आएंगे और निकालते हैं थोड़ा सा जो बिना भीड़ वाला इलाका है वहाँ की साइड से, क्योंकि अपने को भीड़ वगैरह में जाना नहीं है क्योंकि वैसे ही एक तो गर्मी हो रही है और ऊपर से भाई इसने गाड़ी फंसा दी है. पहले निकलते हैं इससे आगे. अगर ये गाड़ी वाले जब घुस जाते हैं ना गली में भाई, पूरी तो एक तो गली घेर के चलते हैं, और फिर गली घेर के चलेंगे ना तो साइड नहीं देने के बिल्कुल भी आपको निकलने के लिए, कि आपकी बाइक निकल जाए आप निकल जाओ, वो चीज़ें नहीं करते हैं ये. तो इसलिए भैया कट वट मार के इधर उधर निकाल के अपनी बाइक तो हमें निकालनी ही है. जब जगह ही नहीं मिल पाएगी फिर क्या निकलेंगे क्या हम लोग. तो काफ़ी सारे सरप्राइज़ अपने प्लान हो चुके हैं और जल्द ही न्यू बाइक की प्लानिंग हो रही है कि अपनी बाइक आने वाली है गाइस. और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रेज़ हुआ हुआ है कि भैया अपनी न्यू बाइक आएगी. तो देख रहे हैं अभी दो सेगमेंट है अपने पास, एक तो अपने पास स्पोर्ट्स सेगमेंट है और दूसरा अपने पास जो है वो है अपना टूरिंग वाला, जो कि भैया टूरिंग बाइक होने वाली हैं. तो देखते हैं उनमें से कौन सी बाइक डिसाइड करते हैं, तो ये वाली चीज़ें देखनी बनती हैं. अभी थोड़ा सा टाइम और हो जाए तो अपनी आरएस जैसे ही सेल आउट हो जाएगी फिर उसके बाद सारी चीज़ें प्लान करेंगे कि भाई कौन सी अपने को बाइक लेनी है, स्पोर्ट्स बाइक में ही वापस जाना है या फिर टूरिंग बाइक में जाना है. तो दोनों चीज़ों को डिसाइड करेंगे अपन. तो अभी टाइम है अपने पास, जब तक अपनी बाइक सेल आउट होती है उसके बाद ही चीज़ों को प्लान बना रहे हैं. और बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है अभी से ही. तो दो तीन बाइक वैसे देख भी ली हैं अभी, और जिसमें से कि अपनी डोमिनार है जो कि टूरिंग बाइक में है डोमिनार, और अपनी एक सुजुकी वी स्ट्रॉम और एक KTM एडवेंचर. तो ये बाइक है, हिमालयन अपने को नहीं चाहिए, हिमालयन आई डोंट लाइक दिस. भाई देखो सबका अपना अपना एक पसंद होती है, मेरे को शुरू से ही रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक मतलब इतनी खास नहीं लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी है जितना मतलब लोगों को लगती है कि भाई रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं तो बहुत पावरफुल होती है, बहुत जानदार होती हैं. तो अपने को कभी रेट्रो बाइक उस तरीके से पसंद नहीं आई, मतलब रेट्रो इन द सेंस कि जो रॉयल इनफील्ड की जितनी भी रेट्रो बाइक है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी मतलब पर्सनली वो मेरे को पसंद नहीं आई है इतनी ज़्यादा. हाँ मतलब हालाँकि एक जो बाइक है आपकी हंटर, वो थोड़ी सी मेरे को ठीक ठाक लगती है, लेकिन बस वही है कि भाई देखो सबका अपना अपना एक पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है कि भाई ये वाली चीज़ें उनको पसंद आती है, कोई किसी को पसंद आती है, कोई किसी को पसंद आती है. तो अपने को तो देखो सिंपल जैसा है कि भाई अपनी एवेंजर हो गई, अपनी RS हो गई, और स्पोर्ट्स बाइक में भी दो तीन बाइक्स हैं जो मेरे को पसंद है वैसे, जो कि R15 V4 V4 और R15 M जो है वो मेरे को पर्सनली पसंद है स्पोर्ट्स बाइक में. और एक सबसे ज़्यादा बाइक जो मेरे को पसंद है वो है अपाची RR 310. तो ये वाली बाइकें
थोड़ा सा अलग हटके हो जाती हैं। तो बस यही वाली चीज़ें रहेंगी कि जो भाई अपनी एडवेंचर बाइक मैंने आपको बताई दी है, ये तीन बाइक्स हैं जो कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सी बेटर है अपने सेगमेंट के हिसाब से, कि भाई अपने को कहना चाहिए कि भाई देखो अपने को टूरिंग भी करनी है, अपने को सिटी में भी ड्राइव करनी है और डेली पर्पज़ के लिए भी अपने को चाहिए बाइक। और भाई ऐसे उल्लू ऐसे लदड़ लोग होते हैं ना कुछ, भाई देखो कुछ मुंह से अपने को कुछ बोलना नहीं है लेकिन होते कुछ ऐसे हैं। फ़ोन पे बात कर रहा है और दिख रहा है कि बाइक निकाल रहा है ऐसे अपनी स्कूटी वगैरह पे, यार कम से कम देख के तो निकाल। ऐसे जो लोग होते हैं ना सही में बहुत ही लुल वाले लोग होते हैं, मेरे मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है लुल लोग होते हैं बिल्कुल ही इस तरीके के। और तो मैं बात कर रहा था भाई देखो अपनी ये वाली टूरिंग के पर्पज से जो अपनी बाइक है, जो कि सारे चीज़ों में अपने को बिल्कुल सूट करेगी अपनी टूरिंग के लिए भी, अपने डेली पर्पज के लिए, अपने व्लॉगिंग के लिए और अपना सिटी पर्पज के लिए। तो इन सब में जो फिट होती है बाइक, उस बाइक को हम देखेंगे, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि भैया कौन सी बाइक, मतलब सिटी के पर्पज़ से भी, डेली व्लॉगिंग के पर्पज़ से और ये अपनी ट्रिप के पर्पज़ से, टूरिंग के पर्पज़ से रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखो डिफरेंट हो जाती हैं कि भाई अपने को कौन सी चीज़ लेनी है, और यही वाली थोड़ा सा चीज़ें रहती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो पसंद आई है तो यही वाली अपने को डिस्कशन करना था कि भाई ये वाली चीज़ें अपने को मतलब जो हमारी जो प्लानिंग है इन बाइक्सों की, ये वाली बाइक्स की चल रही है, तो आने वाले टाइम में आपके लिए सरप्राइज़ होंगे, सारी चीज़ें होंगी और बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आ रहे हैं। तो ट्रिप भी अपनी प्लान्ड हो रही है, तो देखते हैं कहाँ पे जाने का प्लान होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कुछ पिछली कुछ वीडियो में कि हम लोग ट्रिप वगैरह बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बाहर की टूरिंग की जितनी भी हमारी वीडियोज़ रहेंगी तो जल्दी जल्दी प्लान कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट ब्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून स्टे वॉच। तो करते हैं चलो वीडियो को यहीं पे ही एंड, तब तक गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट ऐसे ही प्यार दिखाइए। वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर गाइज़।